दादी सा हम सब जाएंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है और यहाँ पे रिशलू ऐसे कन्विंस कर रहा है मुझे कि मम्मा मुझे भी लेके जाओ। तो मैं और रिशु जाने वाले हैं शूट करने के लिए और गार्डन में आप सबको और भी मिलेगा। कौन मिलेगा वो आपको आगे व्लॉग में देखना पड़ेगा। खुद ने भी नया सूट पहना है पर मेरे वाले से पूछ रही है कि अरे तेरे तो इसने मेरे को प्रॉमिस किया कि आज मेरे को यही वाला सूट दिलाएगी। ये वाला पक्का देख अपना शूट का ना कंप्लीट हो गया। अब सपना से बोल रही कुछ खिला के लेके आ क्योंकि ये क्या मंडे से ना जिम जा रही है। और मैंने बोला तो नहीं लेकिन मैं मान लेती हूँ कि मैंने ऐसे बोला तो बन गया। अब चलते हैं प्रीति श्री ब्लॉग के अंदर आगे। बेटे को कितना ट्रेंड करे थे इन्होंने ना। ऋषभ आज तो 20 रुपए कट हो गए ना। कैसा है अकेले बुट्टो खा रही है। हाँ कच्चा। हाँ एक एक भी पसंद है बुट्टा क्या तो मेरे पे गए थे। एक मैं खा लूंगी। पसीना देख तेरा यार हालत खराब हो जाती है। तो गाइस सपना को मैंने देख लिया। देखते ही मैंने बोला कि चलो ठीक है यार बुट्टे तो खा लेते हैं। ये कोल्ड कॉफी तो ना पिलाई कोई बात नहीं। कितनी पता है हमेशा मैं इसकी इच्छा के लिए कोल्ड कॉफी पी के आती हूँ। आज मेरी इच्छा थी राजा तो फिर आजा। पेट फुल है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं आजा तू। अब मेरा वो ईगो हर्ट हो गया। अब नहीं पीऊंगी। अब नहीं पीऊंगी। थैंक यू सो मच। ये मेरी फेवरेट चीज है। मतलब इतनी फेवरेट है नहीं पर ये तो बहुत अच्छी लगती है मुझे ये वाली। पर ये बारिश में है ना पता है स्कूटी पे और बारिश आती है और फिर खाने में मजा। घर पे नहीं तब तू रस्ते में तो खा कौन सके। अब रस्ते में मैं ही खाऊंगी। तो गाइस बुट्टा मैंने ले लिया। ये फिर से आ गई। सामान तो दे दो चोरों मेरे बेटे का। तो सामान उसका यही रह गया था और मैं भी फटाफट से जाती हूँ घर पे क्योंकि यशविनी है ना सो रही थी। के लिए मैंने ये लिए। क्या है ऋषभ इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? फिंगर पॉप। फिंगर पॉप इससे खुश हो जाएगी क्यों? आजा मेरे पास आजा। यशविनी आ गई। यशु जब से मैं यशविनी इधर देखो जब से मैं और यशविनी है ना जूडियो से ड्रेस लेके आए ना तो मैं मेरी वाली नहीं खोल रही और यशविनी अपनी नहीं खोल रही है ना यशविनी। मैं तो खोल दी थी। आज उन्हें स्कूल में भी ये पहन के गई थी। यशविनी आप स्कूल में पहन के गए थे तो मैम ने डांटा तो नहीं? हाँ नहीं डांटा। क्या मैंने बोला था वॉशिंग मशीन में है। वॉशिंग मशीन में कब थी आपकी ड्रेस? झूठ बोला आपने। वॉशिंग मशीन में तो थी नहीं आपकी ड्रेस। मैंने आपको सुबह बोला था मैं ड्रेस पहना दूंगी फिर आपने बोला था कि नहीं मम्मी आप ड्रेस मत पहनाओ मैं तो ये वाली ही पहनूंगी आपको। यार वॉशिंग मशीन में। ओके ओके जाओ खेलो आप बच्चों के साथ। मम्मी बोल रही है पग्गा कौन चालू जरा वॉक के। अच्छा मम्मी को पताशी खानी है गाइस। पानी पताशी खाएगी मम्मी। मम्मी ने कई दिन हो गया पानी पताशी खाया और मम्मी बोल रही है कि पानी पताशी पग्गा कौन चाले जाए। हाँ, मैं तो ही रखू मीठी मीठी भिन्नी भिन्नी खुश। ओहो पानी पताशे वाले के तो भीड़ जाऊंगे। फ्री में पानी पताशे मिल रही है। बहुत ही गाइस बहुत ही अच्छी चल रही है ना। और दूसरा ने बताओ भी कौन ये रेडी वाला ने। टेस्ट में एक नंबर है। आगे देखते चलो गाड़ी गाड़ी का स्कूटी पीछे। अरे कुछ भी नहीं आएगा मम्मी। आज केर की सब्जी बनाई। केरा की छी बदबूदार केर की सब्जी बनाई। अच्छा सांगरी की भी नहीं। हाँ। थे इनविटेशन तो दियो ही कोनी मन बोलाई सुबह ही बोल दियो
सांगरी की सब्जी बनाई है, सुनो सांगरी की सब्जी बनाई है। और बार लिक्विड वाली बनाएगी, जोड़ रस्सेदार रस्सेदार तो मैं में एक नंबर है। हैं गाइस आज तो सांगरी की सब्जी खाने को मिली है मुझे। बनाएंगे हम दाल बाटी चूरमा। हैं दाल दाल बाटी और चूरमा, इतने डिस्काउंट बना रहे हैं, चल रहे प्रोग्राम के कारण। पापा बाटी लिया लाग रहे। अच्छा तो दाल बाटी चूरमा, वो तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं दाल बाटी चूरमे में, क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं है, मीठा पसंद नहीं है मुझे। ऋषभ को तो मैं लागे टाइम ही बना गए, ऋषभ का नंबर ही को नहीं, ऋषभ का नंबर आसी दोरो। तो दाल बाटी चूरमा तो थको तो फेवरेट है, पापा को हुई जैसी। तू कद खाक ले आओगी दाल बाटी चूरमा, बुढ़ा हो जाऊंगा। ओके अभी मैं फोन करती हूँ उसको, फोन करके बुलाएगा। दाल बाटी चूरमा खाना है मम्मी को। हाँ। पर मन तो ज्यादा इंटरेस्टेड को नहीं, मैं जने तो नहीं, मेरे लाइक हुआ ना तो मैं भाग जाऊँ कभी आती रात। चूरमा सांगरी की सब्जी भी है, मक्का की रोटी भी है, दाल बाटी चूरमो भी है, मसाला बाटी, स्वादी बाटी, पता नहीं के बाटी है। फोन कर सू बिना बारह बारी अभी जस्ट फोन कर सू मैं। गोड़ो डिग्यो अब गोड़ो सही है। आपको नहीं आया कोई व्रत व्रत कुछ कल करूँ बस गाइस। मैं अब सावन के सोमवार करूंगी गाइस, सावन के सोमवार स्टार्ट होंगे 22 से, फिर मैं ना पूरे के पूरे जितने भी सावन में सोमवार आएंगे ना वो सारे करूंगी, मेरे पति को भी करवाऊंगी। या तो मेरा गेस हो जाए या कोई मम्मी रिश्ता पापन भी करवाऊंगी। सगला दिन काम। अच्छा और मैं तुम तो ठाली वाली आदमी देख लियो, मतलब है ना पता है सासू ने चे भूकती भी भागो कितनी भी अठीन बठीन अठीन बठीन क्यों ही करो चाहिए, पर भू भागती कौन दिखे जितनी है ना बेटो भाग तो दिखे। अब जबकि इनको पूछ पड़ो है इनको बेटो, बस वो फार्म हाउस जाओ अभी के अलावा काई करे प्रॉपर्टी काम करे जगह जगह ढूंढ क्या प्रॉपर्टी। अच्छा बताओ यार अब ये है, अब मैं मेरी मम्मी के लागू जिशिया के थोड़ी लागू, अब मेरी मम्मी ने पूछू मैं कि भाई है ना मम्मी है यहाँ मैं अठीन बठीन भाग रही हूँ मैं बरत करूंगी तो साथ मेरी मम्मी भी मारे है ना सगे मस्ती तो देखो मस्ती तुम्हारे मतलब मैं मेरे मेरे लिए भी जीती हूँ कुछ 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 मंगा लेती है कुछ कुछ खा लेती है ऐसी मस्ती थोड़ी मार रहा है। नहीं नहीं मस्ती तो देखो साथ में ना वर्क भी होना चाहिए गाइस, मस्ती भी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। रीछड़ा पापा की हाँ यार आजकल रीछड़ा पापा है ना धूप में इतना ज्यादा जावा, मतलब मैं ये मैंने ना आजकल मम्मी ये कह दू मैं की मैं ना माचो कालर और ले जाओ मैं कही आज कही मल्ली माचो लीजिए एक बटे ताकि कोई आराम मिला तो माचप कर तो ले आराम क्या करा तो वे। पर मैं ये क्यों माचो लेर चल जाओ ताको टिप्पन है ना ओड़ा सा भिजवा देगा तेचो का सुतरे जो बैठे फार्म हाउस का के बस जी है ना मेरे ये सपना ही सपना हुआ है जी ये फार्म हाउस डेवलप हो जाओगे ना बिका बाद में मैं तो भी की छात पर सोऊंगा चिड़िया चू चू कर रही है के मैं, कर रहे हो और के दो तो भैंस ले रही हूँ और दो गाय ले रही हूँ अब बताओ थे घोड़ा डिगवा में लिया होता है ताकि भैंस और गाय पास में जो आंटी जी है ना दूध तो काट देगी मैं क्या कह रही हूँ दूध काट देगी मारे नहीं पास में आंटी जी बगन ले लीजो दूध सेम ही भाई दूध गाय को बगन हो सी आंटी जी कन कटा लेगा मिनट मारेगी आंटी जी अभी काट दो आंटी जी कह थकी भूने को ले रहा हो गए थकी भूने को ले रहा हो थे भूकन कराया करो ठीक ही करो वो तो एक पत्ता से तो पटकाया लग गया था वो तो दही पताशी पर हिल गया भाई मेरे साथ सुबह आजकल मेरे को मिली नहीं देर से खराब भैया इसको भी दे दो ना कटारी ये तो बिना मसाला खाता है वैसे भी पानी के साथ चाहिए इसको पानी अपने आप डाल बो करो करिए जी हमको ये ने ले रही है ये बाजार में तो ए कहीं बाजार ले आई हूं देखो तरसा चिपड़ी भी चिपड़ी है क्या चिपड़ी लग रही है वाओ तो ये सांगरी की सब्जी यहाँ से मेरी पैक हो गई अब तो सब्जी बनाने की जरूरत ही नहीं है बस रोटी बनानी पड़ेगी मुझे नहीं सब्जी तो बनानी पड़ेगी सा भूल गई मैं हमारा जो रिशु है ना मेरे बेटर लेके आए हो एक महीना रसमलाई ओहो बेटा नहीं को ले रहा था बेटा एक डब्बो ले आयो लड्डू देसी घी तो मेरे को ले रहा था बेटो क्या तो क्या क्या मैं देखूंगी
नहीं मुझे गाइस मीठा पसंद ही नहीं है, क्योंकि जब हम वरिशु के पापा ले रहे थे ना, उन्होंने मुझे बोला था एक दिन तो लाटू चढ़ा दिया, 11.5 दिन 12 सोलाई चढ़ाई। नहीं रिशा पापा जब ले रहे आने कि आपने भी ले रहा होंगे, मैं कि नहीं रुलता फिरेगा क्योंकि सूखता रहे खाने और रिशा पापा ने था दोनों ही शौक, और तो कोई ना है और कोई खाया को नहीं मन तो बिल्कुल। मैं सेक रही हूँ भुट्टा पापा के लिए, मेरे को लगता है ये पक गया, एक चेक कर लेती हूँ। टेस्ट में एक नंबर। हाँ पापा एक ले दो, खा लूंगी मैं तो। अच्छा छोड़ के नीचे ले आओगे पापा, हमारे पापा ऐसे बोल रहे हैं कि कचरा यहाँ पे किचन में नहीं होना चाहिए, बाहर भी नहीं होना चाहिए, एकदम नीचे जाएंगे और वहां जाके इसको खोल के मतलब प्रॉपरली पूरा खोल के फिर ऊपर लेके आते हैं पापा। ये पापा के लिए सेक रही हूँ और पापा जो लेके आएंगे ना वो मैं मेरे लिए सेक रही हूँ, क्योंकि यार मुझे ना भुट्टा बहुत ज्यादा पसंद है। और वैसे मम्मी भी खाए तो खा लेंगे, मम्मी को मना थोड़ी करेंगे अपन। सारे के सारे भुट्टे के जो ये बीज है ना मैंने निकाल लिया, अब इसके अंदर है ना मैं नमक और नींबू दोनों मिला के इजीली खाऊंगी। तो गाइज चलो फटाफट से पनीर की सब्जी बना देते हैं। मैंने इसकी चॉपिंग कर ली है पनीर की, और आप देख सकते हो पालक को भी मैंने बॉईल मैंने बना दिया है। खाने में ये बना दी मैंने चपाती, और मेरी पनीर की सब्जी भी बन चुकी है। देखो धुआं में निकल रहा है। ये मम्मी वाले घर के घर से मैं सांगरी की सब्जी लेके आई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी ऋषो के पापा को भी दे देती हूँ, तो बाकी की तो मैं कोरी खा जाऊंगी। ये रायता हो गया और ये मम्मी के हाथ की चटनी हो गई। मैंने बच्चों का खाना ले लिया है, तो ये हो गई चपाती, ये हो गया दही, और ये हो गई पनीर की सब्जी। तो दोनों मैं एसी वाले रूम में लेके चल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ किचन की हालत। तो किचन में थोड़ी देर के बाद में जब भी ये सब खाना खा लेंगे ना, फिर उसके बाद में किचन भी साफ कर दूंगी और बर्तन भी साफ कर दूंगी। आपको तो पता ही है यार गर्मी में हालत खराब तो हो जाती है यार, मतलब वैसे तो ज्यादा चपाती नहीं सेकनी पड़ती, बट ना किसी किसी को तो और भी ज्यादा। मेरे पास है ना DM आया था अपने इंस्टाग्राम पे, वो 100 रोटी बनाते हैं लेडी, इतनी भयंकर मेरे को ऐसे चक्कर आने लग गए, उन्होंने ऐसे बोला था मुझे। ऋषभ के पापा ऐसे बोल रहे कि आप इसके है ना लिख के भेजते हो कि पूरा होमवर्क मुझे लगता है कि आप करते हो, बट मैं बिल्कुल भी नहीं करती, गॉड प्रॉमिस कर रही हूँ मैं। ऋषभ के पापा को तो बिलीव भी नहीं हो रहा कि ये यश्विनी ने किया है। क्या अच्छे से तो लिख रही थी, पर है ना यश्विनी आपके पापा ऐसे बोल रहे कि यश्विनी ने नहीं किया, ये तो यश्विनी की मम्मी ने किया है, बताओ किसने किया। यश्विनी की राइटिंग तो बहुत अच्छी है, देखो हिंदी में मैं दिखाती हूँ आपको, ये तो हिंदी में हो गया और इंग्लिश की राइटिंग भी दिखाती हूँ। ये देखो इंग्लिश की राइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है यश्विनी की, ये देखो J4 Jug। और अब आपको मैं दिखाती हूँ मैथ्स की, ये देखो मैथ्स की भी राइटिंग तगड़ी है यश्विनी की। मैथ की देखिए, ये देखो ऋषभ के पापा को डर लग रहा है कि नजर नहीं लग जाए मेरी बेटी के। थुतकारी गाल दीजिए गाइज, थे भी गाल दीजिए थू थू गाइज, आपको भी सबको है ना थुतकारी डालनी है उसमें कमेंट में। ये किसने किया? ओह माय गॉड, मतलब क्या बोल रहे हो आप? अच्छा थे अच्छी अच्छी एक्टिविटी करे ना, सब सगड़ी थक ऊपर है, और जो गंदी करेगा मेरे पर है। ऋषभ की तो अच्छी है, पर मैं बता रही हूँ थे ये क्या किया कि मेरी राइटिंग अच्छी, क्यों मेरी राइटिंग अच्छी बनी। तो गाइस अब मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ, ऋषभ के पापा खाना स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग, तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो गई, बच्चों को मैंने स्कूल भी भेज दिया है, और जस्ट अभी मैं बना रही हूँ ऋषु के पापा के लिए खाना, क्योंकि वो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे लिए ना फटाफट से आप खाना बना दो। तो किचन का मैं खाना वाना जो भी पट्टी वट्टी जो भी बर्तन वगैरह है ये सारी चीज़ें क्लीन करूँगी, और फटाफट से मैं ये काम करके, कहाँ जाने का तो कहीं जाने का नहीं है, बट फटाफट से मैं काम करके बिग बॉस देखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना फिर उसके बाद में ही मैं बिग बॉस देखती हूँ, मतलब उनके साथ मैं नहीं देखती स्पीड्स वीला और या फिर बिग बॉस। मतलब ऋषु के पापा मेरे को डांटते हैं कि बच्चों के सामने ऐसी वाली चीज़ें ना देखा करो, ऐसे वाले सीरियल ना देखा करो। तो ठीक है गाइस, हम मैं
बना लेती हूँ चपाती और रिशु के पापा को सर्व कर देती हूँ। मैंने खाना खा लिया, खाना क्या, मैंने मेरे लिए नाश्ता बनाया था तो वो मैंने खा लिया है। तो आज मतलब मैं 2-3 बजे के समथिंग खाना खाऊंगी, 2 रोटी मेरी बना लूँगी एक्स्ट्रा। तो चलो लगते हैं काम के। यार मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ अगर मेरे लाइफ में व्लॉगिंग नहीं होती तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग होती। मैं बस इस किचन में काम करती रहती, इसके लिए खाना बना रही हूँ, उसके लिए खाना बना रही हूँ। मतलब मैंने ऐसे वाले 6-7 साल निकाले भी हैं। तो फटाफट से रोटी में बना देती हूँ, फिर उसके बाद में मुझे नहाना है। क्यों क्यों आई है तू मेरे पास? तो गाइस हमारे दोनों बच्चे आ गए। मेरा घर का काम सच बता रही हूँ मतलब फिनिश होता ही नहीं है, बट ये पहले आ जाते हैं। तो नहाना हो गया मेरा, नहाते ही मैंने मेरी यशविनी बेटी का दर्शन किया। किधर बड़ा बच्चा था यशविनी, तो जब नए कपड़े लेके आ जाती है ना गाइस, फिर उन कपड़ों को छोड़ती ही नहीं है माँ की तरह। मतलब वॉश करेगी फिर से दूसरे दिन यही पहन लेगी, एक तो ये वाली, एक वो ब्लैक वाली, एक वो ब्लू वाली। मतलब ये तीन चार ड्रेस है ना डिसाइड रहती है इसके। आज ये रोने लग गई थी कि मुझे ये पिंक वाला टॉप पहनना है। यशविनी आप ऐसा क्यों करते हो, दूसरे कपड़े क्यों नहीं पहनते, फ्रेंड्स को बताओ। नहीं मैं तो सारे पहनती हूं। सारे क्यों नहीं पहनती हो आप, बदमाश नॉटी। तो मेरा तो नहाना हो गया, बट अभी ऋषु के पापा नहाने गए हैं और मैं और ऋषु के पापा, यशविनी और यशविनी के दादी सा, हम सब जाएंगे। तो गाइस हमारे ज्योति भाई साहब और हमारे बन्ना हुकुम भी आ गए, धोक धाक दो मेरे पैर लग जाती हूँ। आप बोलोगे ये मॉडर्न जमाने के खुश रहो। आप सबको पता था मिशूज घर में, सॉरी मैं तो डर गई। मैंने आपकी कसम ये क्लिप मैं देखना चाहूंगी। आप पता कैसे करते, मैं और किशो हम सब रेडी हो गए, हम जाने वाले हैं, आप ऐसे कर रहे थे और मैं एकदम स्वयं भयंकर डर जाने। मैंने सोची अचानक आगे किया रिश्लो, मैं कल रात से प्लानिंग कर रही थी झूठ बोल के सबको आने की। अच्छा और आप सरप्राइज ही हो, मम्मी तो खुद बैठी है, मैंने फोन पे कह रही है भाई क्या नाम था रो, आज तो सफाई कर रही हूँ तो आएगी ना, शनिवार ना आएगी इतवार ना आएगी। मैं मम्मी आऊँ आऊँ जल्दी आऊँ, मुझे घर आई तो ना। हाँ अच्छा हुआ गाइस मैंने घर एकदम क्लीन रखा है, हमारा चवाई सा आ रखी है। तो मैं आज मम्मी जी गई ना, मम्मी के हो रे भाई यहाँ बिना पूछे की आनी थे मम्मी से। अरे यार मम्मी बताई तो ही, और अभी भी मम्मी ने बताना बोल दी, अभी तुम भाग के आई मम्मी ने, मैंने फोन करके मैं मम्मी मुझे मम्मी पता नहीं क्या बोली, कान लग रही है भाभी सा, तो मैंने आन लग रही है सरप्राइज किया तू नहीं तो नॉर्मल हो जाएगा। मैं नहीं जा रही, मैं बोली बहुत पापा को दे जा रहा हूं बावड़ा बनाए कि मम्मी ना रही है, मम्मी अब पूजा कर रही है। अच्छा तो व्लॉग थोड़ा सा हम स्टॉप करेंगे, बन गया व्लॉग भी, पर यहां पे स्टॉप करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। यशविनी आप तो प्यारी नहीं करती हो ना, नहीं करती है यशविनी। अब ये बताओ मम्मी से करते हो या बुआ से? जवाई सा खुश हो गया अभी बात पूरा, मम्मी डांटती नहीं है ना। आपको मेरी साइड लेनी चाहिए, अपन एक राशि के हैं, कन्या राशि अपन दोनों की, और ये तो चालू राशि है। आपको क्या सोचा, क्या ये सोचा मेरा करंट आ गया ना?
रिशा पापा कहेंगे मम्मा बाथरूम में, ये सोचो करंट आ गया। ड्रेस है ना वो ऐसे बोल रही है कि उस वाले घर में ही रह गया। ठीक है, यशविनी टीवी सुनो, यशविनी हमारे ना नाराज हो रही है। क्यों हो रही है वो बताती हूँ मैं आपको। यशविनी की बुआ ने बोल दिया कि है ना इसके लिए ड्रेस लेके आए हैं, तो यशविनी की बुआ ऐसे बोल रही है कि यशविनी की ड्रेस उस वाले घर में रहेगी। अच्छा क्या कहते हैं, अच्छा ये क्या, ओके डन डन डन, ला रहे ला रहे ला रहे बुआ। मैं ला रही हूँ। अच्छा आपको भी जाना है क्या, चल ले जाओ आ जाओ। ये वाली ने यशविनी का तो आप सबको पता ही है, यशविनी को तो जो चीज चाहिए वो चाहिए ही। तो ज्योति वैसे ने बोला कि लगेज मेरा ना क्या गाड़ी में ही है भाभी साहब, और हम गाड़ी से ही इस वाले घर पे आए हैं, तो इसको मैं ड्रेस लाके ही दे देती हूँ, नहीं तो एकदम मच गई है कि मेरे को ड्रेस चाहिए 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 ऐसे करके। दोनों बच्चे गए हैं नीचे और हमारे ज्योति भाई साहब का आने का मेरे को छोड़ो मम्मी को पापा को मतलब किसी को भी नहीं पता था कि ज्योति भाई साहब आज आ रहे हैं। वैसे तो पता, ये पता था हमें कि 4-5 दिन के अंदर अंदर ज्योति भाई साहब आने वाले हैं, बट ये नहीं पता था कि आज फ्राइडे को ही वो आ जाएंगे। और हमें सच में मतलब इतना भयंकर मतलब सरप्राइज मिला है। मम्मी भी ज्योति भाई साहब बता रहे थे कि मम्मी भी ऐसे शॉक्ड हो गई, कॉल वगैरह ये सारी चीजें की, बट है ना ज्योति भाई साहब ने बिल्कुल भी भनक नहीं लगने दी कि मैं पहुंचने वाली हूँ जयपुर। तो गाइज अभी बस मम्मी वाले घर पे चलते हैं, और मम्मी को और पापा को, मैं और रिशु के पापा, हम सब कैंटीन भी जाके आएंगे। तो फटाफट से वो कैंटीन का जो भी सामान वगैरह हमें लेके आना है वो लेके आ जाते हैं। यशविनी आई होप आके आ जाए, नहीं आ जाएगी, कमर का आइडिया नहीं था बेटा, मुझे तो लगा नहीं आ जाएगी। यशविनी पहले आपको यशविनी चेंज करने पड़ेंगे बेटा कपड़े, अब यही पहनोगी क्या, अब चेंज करने पड़ेंगे यशविनी, ये पहनोगे कि यशविनी ये तो भाई साहब का है, भाई साहब को ट्राई करने दो, भाई साहब आन और लाग रहे तो बनने में छोटे लाग रहे हैं, है ना भाई साहब, ये जो बाल चल रहा है भाई साहब बराबर है। भाई साहब ये आ जाएगा आपको, आएगा लेकिन अभी नहीं पहनूंगा, पर मुझे ट्राई करके नहीं बताओगे मुझे पता कैसे चलेगा, मैं बोर रह जाता हूं। लो चलो आ जाओ यशविनी, बोर नहीं होती यशविनी, आ जाओ यशविनी, यशविनी यशविनी चेंज करने के बाद में मिलती है यशविनी आपसे। वाओ यशविनी, यशविनी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, ये देखो है ये। तो ज्योति भाई साहब हमारे आ चुके हैं और आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं। होप सो आज का व्लॉग आप सबने इंजॉय किया होगा, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है 4:00 फिक्स, और वो व्लॉग होगा उस वाले घर का। बस फटाफट से यशविनी को थोड़ा सा रेडी कर दूँ और फिर हम उस वाले घर पे जाएंगे और वहाँ से मैं सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी। तो किस किस को वेट है 4:00 वाले व्लॉग का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास है ना कमेंट आते थे कि है ना भाई साहब 4:00 वाला भी व्लॉग दो, बट मेरे पास क्या कंटेंट ही नहीं रहता था। तो अब 3-4 दिन फुल कंटेंट है, तो मैं आपको 4:00 भी व्लॉग दूंगी।